નવેમ્બર 2020 ના રોજ પશ્ચિમ રેલવે મંડળને 70 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. તે અન્વયે રાજકોટ રેલવે ડિવિઝન DRM પરમેશ્વર ફુંકવાલ સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા આજરોજ વૃક્ષારોપણ તથા સફાઈ કામદારોને માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંગે વધુ વિગત DRM પરમેશ્વર ફુંકવાલે આપી હતી. આજરોજ પશ્ચિમ રેલવે મંડળને 70 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. તે અંતર્ગત રાજકોટ રેલવે ડિવિઝન દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રાજકોટ રેલવે ડિવિઝનના DRM પરમેશ્વર ફુંકવાલ સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું તથા હાલ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે તેને લઈ તમામ સફાઈ કામદારોને માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ પશ્ચિમ રેલવે મંડળને 70 વર્ષ પૂર્ણ થતાં રેલવે ડિવિઝનની તમામ બિલ્ડિંગને રોશનીથી શણગારવામાં આવી હતી. દેખીએ હમારે લીએ બહોત હી ઐતિહાસિક દિન હૈ कि पश्चिम रेलवे ने जो इसका आज की डेट में जो स्वरूप है उस स्वरूप को 70 साल पूरे हो रहे हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेके कि हम एक इतनी पुरानी जो है एक परंपरा शुरू हुई थी उसको हम आगे गतिमान रखने में समर्थ हो रहे हैं. तो इसमें हम लोगों ने जो कार्य किए हैं, एक तो हमने वृक्षारोपण किया, उसके अलावा हम अपने सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल कर रहे हैं इस खुशी में. उनको हम जैसे इस समय कोविड महामारी चल रही है तो उनको हम विशेष प्रकार के मास्क वितरित कर रहे हैं और इसके अलावा हमारी जो इमारतें हैं, स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उन पर रोशनी की जाएगी. पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक महोदय आज शाम को एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जिसमें हमारी जो पश्चिम रेलवे की जो विरासत है उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे. तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को इस जो मिशन जो पश्चिम रेलवे का है कि यात्रियों को एक निरंतर सुविधाजनक और द्रुत सेवा हम लोग दे पाएं उसके लिए प्रेरित करना और अपने आप को रिकमिट करना कि हम उस उद्देश्य को और अच्छी तरह पूरा कर सकें. देखिए, यदि हम 70 साल का इतिहास देखें तो हमने बहुत लंबी दूरी तय की है और आज यदि मैं विशेषकर से राजकोट मंडल के बारे में यदि बात करूँ तो राजकोट मंडल आपको मालूम होगा मीटर गेज यहाँ पर हुआ करती थी, मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो पुरानी तरह की सिग्नल पद्धति है जिसको हम सीमाफोर सिग्नल कहते हैं वो थी. कई जगहों पे इंटरलॉकिंग के जो सिस्टम हैं वो बहुत ही रूडिमेंट्री या पुराने तरह के थे. तो उसके ऊपर हम लोग बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं. राजकोट मंडल में आप यदि देखें वीरमगाम से लगा के दिक्सर, सुरेंद्रनगर और आगे दिक्सर तक का दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है. उसके अलावा राजकोट डिवीजन आज की डेट में इलेक्ट्रिफिकेशन के नक्शे पे आ चुका है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि राजकोट डिवीजन उस इतिहास का भी एक हिस्सा बन चुका है जिसमें हम लोग डबल स्टैक कंटेनर्स को इलेक्ट्रिफाइड लाइन में, वैसे तो डबल स्टैक कंटेनर डीजल रूट पे चल रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिफाइड लाइन में जहां वायर के नीचे उसको चलना होता है उस पे चलाने में हम लोगों ने पहली ट्रेन जो है वो एक तरह का विश्व कीर्तिमान है जो कि जिसका राजकोट मंडल 10 जून 2020 को उसका एक हिस्सा बना. तो प्रगति के निरंतर नए चरणों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं. यात्री सुविधाओं में स्टेशनों पर लिफ्ट्स लग रही हैं. इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने 4 स्टेशनों पर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है. राजकोट पे एस्केलेटर लगेंगे. राजकोट स्टेशन का हम लोगों ने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स का सरफेसिंग को बहुत इम्प्रूव किया, सर्कुलेटिंग एरिया को इम्प्रूव किया, यहाँ पे एक्सरे बैगेज स्कैनर लगाए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. तो ऐसे कई काम जिससे हम यात्रियों को बेहतर सुविधा दे सकें ऐसे कार्य निरंतर चल रहे हैं. फ्रेट के मामले में जो हमने निरंतर नए कस्टमर्स को रेलवे से जोड़ने की कोशिश की है और
सबसे बड़ी बात जो रेलवे ने अपनी भूमिका निभाते हुए जो श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाई और श्रमिक बंधुओं को उनके घरों तक पहुंचाया, सुरक्षित घरों तक पहुंचाया, और रेलवे की सबसे बड़ी जो बड़ा योगदान मैं कहूंगा कि हमने सप्लाई लाइंस जो है देश की वो चालू रखी। लॉकडाउन के समय में जब सारे दूसरे संस्थान बंद थे, हमारे रेलवे कर्मचारियों ने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए उस समय भी यात्री गाड़ियों का, जो श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चल रही थी, पार्सल स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, और उसके अलावा जो माल गाड़ियां चल रही थी, उन सब को निरंतर उनकी उनके पहियों की गति को रुकने नहीं दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि देश में कहीं पर भी आवश्यक सामग्री की कमी महसूस नहीं की गई। हमारे यहाँ से बहुत सारी आवश्यक सामग्रियाँ जैसे सॉल्ट जाता है, डीजल, LPG, ये बड़ी आवश्यक चीज़ें। साथ ही हमारे गुड शेड्स ने जो काम किए, राजकोट में फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, गेहूं, ये आता है शहर के उपयोग के लिए, तो ये सब जो चीज़ें थी ये इनको हम सुनिश्चित कर सके, तो इससे हम काफ़ी संतोष और खुशी महसूस करते हैं कि हम लोगों ने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य था वो निभाया है। और आगे भी हम अपने कस्टमर्स को, चाहे वो हमारे यात्री हों, चाहे हमारे फ्रेट कस्टमर्स हों, उन सब के लिए हम एक और बेहतर सुविधा दे पाएं, ये हमारा निरंतर प्रयास है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पार्सल ट्रेनें जो चल रही हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो टाइम टेबल ट्रेन है। हम अपने कस्टमर्स को ये बता रहे हैं कि आपका माल आप इस समय यहाँ से भेजेंगे और आपके गंतव्य तक वो इस समय तक पहुँच जाएगा, तो उस और ये गाड़ियाँ इनकी जो समयबद्धता है वो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, मिनिस्ट्री लेवल तक मॉनिटरिंग हो रही है, और ये गाड़ियाँ करीब करीब 100% समयबद्धता के साथ चल रही हैं। तो इससे हमारे कस्टमर्स के मन में एक बहुत विश्वास जागा है कि हम एक समयबद्ध तरीके से उनका माल पहुँचा सकते हैं। तो पार्सल में लगातार वृद्धि हो रही है, हम लोग नए नए कस्टमर्स को जोड़ रहे हैं, और हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि यदि आपकी कोई ऐसी आवश्यकता है कि जो आप किसी सेक्टर में किसी गंतव्य तक माल भेजना चाहते हैं और आपके पास है ऐसा माल भेजने लायक, तो हम आपके लिए स्पेशल गाड़ी भी चला सकते हैं, स्पेशल पार्सल ट्रेन भी चला सकते हैं। यात्री गाड़ियों में भी हम VPU जोड़ सकते हैं। तो जितनी भी डिमांड है यहाँ की, राजकोट की हो सकती है, राजकोट में जो मशीनरी के पार्ट्स हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स है, ओखा से फिश का ट्रैफिक है, इन सब कस्टमर्स को हमारा ये आश्वासन है कि आपका जितना रिक्वायरमेंट होगा हम पूरा करेंगे। सर, यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन भी स्टार्ट होने वाली है? यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन, हमने काफ़ी सारी ट्रेनें चल रही हैं जो पॉपुलर ट्रेन्स थी, क्योंकि देखिए कोविड के कारण लोग अभी भी जो यात्रा है उतनी ज़्यादा यात्राएं नहीं हो रही है, तो हमने ये कोशिश की है कि जो काफ़ी लोकप्रिय ट्रेनें थी जिनमें लोग अधिक यात्रा करते हैं, ऐसी ट्रेनें शुरू हो चुकी है। उदाहरण के तौर पे ओखा मुंबई जो सौराष्ट्र मेल है वो शुरू हो चुकी है, आपकी सोमनाथ जबलपुर शुरू हो चुकी है, और उधर भी जो राजकोट मंडल से पास होने वाली भावनगर बांद्रा है वो शुरू हो चुकी है। तो कई सारी गाड़ियां चल रही हैं। ओखा से हमारी गोरखपुर चालू हो गई है, ओखा गोरखपुर, उधर पोरबंदर से सराय रोहिल्ला वो ट्रेन चल रही है। तो इस तरह से अभी राजकोट मंडल के जो स्टेशन हैं, दिल्ली बॉम्बे जो मुख्य स्टेशन है उनसे जुड़ चुके हैं। राजकोट सिकंदराबाद एक चालू हो गई है, आज से तिरुनेलवेली जामनगर शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो पॉपुलर रूट्स हैं जिनके ऊपर हमको उम्मीद है कि लोगों को यात्रा करना है, उन पे गाड़ियां शुरू हो रही है, और आगे भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी रेलवे उनके बारे में, गाड़ियों को शुरू करने के बारे में विचार कर रहा है। देखिए नए प्रोजेक्ट्स में मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बहुत तेज़ी से दोहरीकरण के कार्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वो काम हो सके। तो पहला फोकस हमारा वो है। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन से हमको न केवल रेलवे को डीजल के खर्चे में बचत हो रही है, बल्कि ये देश के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है।
तो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और स्टेशनों पर जैसा मैंने बताया, यात्री सुविधाओं में हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। जामनगर में एस्केलेटर्स लगने वाले हैं, हापा में लिफ्ट्स और एस्केलेटर लगने वाली है, राजकोट में एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स कमीशन होगी, एक एडिशनल FOB बनेगा, वांकानेर में FOB बन रहा है लिफ्ट फैसिलिटी और रैंप फैसिलिटी के साथ में। हमारे कई स्टेशन हैं जहाँ पर डबलिंग का काम चल रहा है, वहाँ पर नए FOB बन रहे हैं और हाई लेवल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स का एक्सटेंशन हो रहा है 24 कोचेस के लिए। तो ऐसी कई सुविधाएं हैं जिसको हम तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे यात्रीगण जो हैं उनको हम एक बेहतर सुविधा दे सकें।